ओ भाई आग लग गई यहाँ पे खतरनाक वाली, देखो भाई ट्रक में फुल भयंकर ही आग लग रही है। वाह भाई पूरा ट्रक जलकर राख हो गया है, सिलेंडर से बुझा भी रहे इसे। तो मेरे भाइयों हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं नीचे अपने पार्किंग के पास और अपनी बाइक ये निकल रही है पीछे ले इसे। अब यहाँ से भाई अपना निकलने का प्रोग्राम। इसमें यार दिक्कत आ रही है बुलेट में, बैठो चले हेलमेट पकड़ लियो। तो भाई अपने दर्शन वगैरह तो बहुत अच्छे से हो गए, बाकी ऊपर बारिश बहुत है ये तो मैं बार बार बताता आ रहा हूँ। अब यहाँ से निकल रहे हम भाई अपने घर को, देखते हैं ऋषिकेश हरिद्वार कहीं अगर रुकने का मन करेगा, घूमने का मन करेगा तो घूमेंगे ज़रूर। ओए होए मैं तो कहता यार पार्किंग के हमारे ना एक्स्ट्रा पैसे बन गए होंगे, बट बने नहीं। और पता है नीचे मौसम ना थोड़ा सा ठीक भी है, ऊपर मौसम बहुत ख़राब है बहुत ज़्यादा। और ऋषिकेश में तो बहुत सारे जगह पे लैंडस्लाइड हो रखे हैं बहुत जगह पे। ऊपर बारिश हो रही है। कौन कह रहा है? ऊपर काले धुआं हो गए। ऊपर कहीं बारिश नहीं हो रही, वो बादल ऐसे चलते रहते हैं आते रहते हैं, पर हो रही 100% बारिश वहाँ। हाँ तो ठीक है ना। और यहाँ पे जो भी बंदा आए ना तो भाई मेरे हिसाब से ना उसको पता है क्या क्या लेके आना चाहिए, एक तो अपने साथ वो जो मिनी चूल्हा आता है ना बनाने वाला जो हम लेके घूम रहे थे वो लेके तो ज़रूर आना चाहिए बंदे को, और जो चाय पीने वाला शौकीन है वो भाई पाउडर वाला दूध अपने साथ कैरी कर सकता है और उसको भाई बार बार अपना चाय वाय बना के वो पी सकता है, क्योंकि अगर चाय पीने वाला ज़्यादा शौकीन होगा ना बंदा तो उसके चाय चाय में 1000 रुपये खर्च हो जाएंगे। अब पूरा ग्रुप आता है, जैसे हम पिछले बार आए थे ना तो हम पूरा दूध वूध अपना मैगी सब चीज़ लेकर आए थे, इस बार लेकिन हम मैगी लेकर आए थे चाय बनाने का कोई सिस्टम नहीं लेकर आए थे। आराम से चल ले, तेरे गधे को साइड कर ले। लेकिन इस टाइम आने का ना एक चीज़ बस थोड़ा सा फ़ायदा ये है कि भाई दर्शन ना बहुत अच्छे से हो पाते हैं, लेकिन भाई फुल बंदा संकट काट के आए और दर्शन ना हो पाए ऐसा थोड़ी होगा, क्योंकि ऊपर बारिश हो रही है लैंडस्लाइड हो रहे हैं पूरे टाइम, वो बंदा भीगा ही रहेगा, हमारे सारे कपड़े भीगे रहते भाई एनी टाइम, तो इसलिए दर्शन अच्छे से मिलते हैं। और जो मई में आए भाई उनका पता नहीं उनको दर्शन कितने अच्छे से मिले नहीं मिले, क्योंकि उस टाइम भीड़ ज़्यादा था भाई। यहाँ पे देखो कितने लैंडस्लाइड हो रखे, देखो पीछे वो देखो भाई साहब, बहुत जगह हो रखे हैं बहुत जगह। अब देखो वो पत्थर है ऊपर चोटी पे रखा हुआ, वो एकदम ढलान पे रखा हुआ, ये देखो ये सारे पत्थर गिरे हुए हैं। ये देखो भाई है दिखा रहा था कुछ, ऐसे बहुत जगह हो रखे हैं, अभी चलते रहो ना दिखाते रहूँगा मैं।
ये देखो भाई कितने सारे लैंडस्लाइड, कितनी जगह हो रखे है, पूरा रास्ता खराब हो रखा है भाई। उन्हें नहीं, ये देखो वो तुरी की कल हुए होंगे रात में ये, और इन सबों को ना सीमेंट से पैक करा जा रहा है ये, ताकि ये गिरे ना और आगे तक। ये पूरे नीचे नीचे पूरी जगह गिरे पड़े हैं। ये पत्थरों से ना ये बनाया जा रहा है ताकि ये ऊपर के ना नीचे ना पाए, ये मजबूती से पड़े, मतलब दबे रहे। अब दोस्तों हम वहाँ पे पहुँचने वाले हैं जहाँ पे हमने रात में होटल लिया था और होटल वाले ने हमें मना कर दिया था। वो होटल कौन सा है मैं दिखाता हूँ। वो होटल है ये वाला जो ये हिलास लिखा हुआ है, हिलांस, सॉरी हिलास करता मैं, ये वाला जो होटल है ना ये। अरे आ जाओ भाग जा तेरे यहाँ से, तो रुकूंगा भी नहीं। ये होटल पर भाई हमने लिया छः सात बजे हमने करीबन होटल लिया इसे, और भाई बंदा आधे घंटे बाद आता है, बोलता भैया खाने में क्या लोगे, मतलब भाई खाने में है क्या क्या, बोलता है जो आप बोलोगे वो मिल जाएगा। मतलब अच्छा ठीक है, मतलब भाई मुझे तो दाल चावल चाहिए बता भाई, तो बोला मिल जाएगा। मतलब भाई कितने रुपए की थाली, बंदा बोलता भाई 250 रुपये की थाली। मतलब 250 रुपये का दाल चावल, बोला हाँ भाई। मतलब रहने दे भाई मुझे नहीं चाहिए। मैंने इसे मना करा, मैं अपने होटल से निकला, बाइक में लगाई मैंने चाबी, और ये बंदा नीचे ही खड़ा था। मैं इसके सामने बाइक लेके गया, ये समझ गया कि भाई मेरे यहाँ से ये खाना नहीं ऑर्डर कर रहा, ये बाहर से जा रहा है खाना लेने के लिए। तो मेरे गैर हाजिरी में जब तक मैं अपना होटल पे गया था खाना वाना ऑर्डर देने के लिए, तब तक मेरे पास फ़ोन आता है, मेरी बहन का फ़ोन आता है, कह रही है कि जल्दी से होटल पे आ। ये ना कह रहे हैं कि भाई होटल खाली करो, मतलब होटल खाली करो क्यों, बोल रहे हाँ खाली करो बस ऐसे ही। फिर मैं भाई जो ऑर्डर दे रहा था वो छोड़ के मैं आया इसके पास, मतलब हाँ जी। बोले भाई मालिक मना कर रहा है होटल देने के लिए, मतलब मालिक मना कर रहा भाई, अभी तो सारी बात हो गई सब चीज़, तो भाई मना क्यों कर रहा। बोला बस भाई ऐसी पर खाली करो। वो खाली करने का रीज़न ये था कि भाई हमने इसके यहाँ से खाना ऑर्डर नहीं करा इसलिए, और जो मैं दाल चावल और आलू जीरा फ्राई जो होता है ना, जो मैंने ऑर्डर इसे दिया था, वही ऑर्डर ये सामने से बनवा रहा था एक आंटी के पास से, जिसके पास से हमने बाद में खाना लिया 100 रुपये का, यानी एक थाली पे 150 रुपये मुझसे एक्स्ट्रा ले रहा था। तो इसलिए ये इसकी भाई जल गई कि भाई बंदा मेरे यहाँ से खाना नहीं ले रहा, इसके 500 रुपये सूखे सूखे बच रहे थे मेरे ऑर्डर पे। मतलब इसने यहाँ से ऑर्डर लिया और यहाँ से सामान लाके मेरे को दे दिया बस। तो भाई इसने इस चक्कर में मेरे से खाली करा दिया। और भाई मैंने ये देखा है उत्तराखंड में ना यार, होटल वोटल वाले ना भाई उतने सही से बात करते नहीं है। यहाँ पे ना भाई मतलब बिहेवियर जो है ना वो बहुत बेकार है लोगों का, अभी से नहीं भाई 3 साल से देख रहा हूँ मैं। फिर भाई वो जो आंटी के पास से हमने खाने लिया, उसी के साइड में दूसरा होटल था, उस बंदे ने होटल के हमसे भाई 300-400 रुपये कम भी लिए, और उसने बोला भाई आपको जहाँ से खाना मंगाना आप कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ से मंगा लो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ तक कि मतलब ये ना मेन ऑर्डर के ऊपर जीते हैं कि भाई बंदा खाने का ऑर्डर दे हमें और हम उसमें कमाई, क्योंकि उसमें इनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। वो भी बंदा मुझे ऑफ़र कर रहा था कि भाई मैं और ना 200 रुपये रूम पे कम कर दूंगा पर खाना मेरे यहाँ से मंगा लो। मैंने बोला नहीं भाई हैं, ये चीज़ तो मेंशन करनी चाहिए ना। हाँ कि भाई खाना पीना अगर हमारे यहाँ से लोगे तो ही रुकोगे, है ना। बाकी भाई आप आओ कभी इस साइड केदारनाथ या किसी भी जगह जाओ, कोई भी जगह हो, वहाँ पर प्रॉपर बात कर लो कि भाई क्या कहानी है, कैसी कहानी है, और बाकायदा वीडियो बना लो। और यही सेम वीडियो वाली कहानी पता है, मैं जब वैष्णो देवी गया था ना तो मैंने वहाँ पे प्रॉपर बात कर ली थी कि भाई क्या कितने रुपए लेगा, क्योंकि वहाँ पे ना अगर हम ट्रेन से जाते हैं तो कटरा उतरते ही मतलब जो गाड़ियाँ लगी रहती है वो होटल वालों की गाड़ी होती है, वो आपसे बोलेंगे कि भाई 1000 रुपये में आपको रूम मिल जाएगा, हम गाड़ी से आपको होटल तक लेके चलेंगे, फिर होटल से सुबह हम यात्रा के लिए आपको लेके चलेंगे, वहाँ से वापस पिकअप करेंगे जब आप यात्रा करके आ जाओगे वैष्णो देवी का होटल तक, और फिर होटल पे अपना फ्रेश वगैरह होना है, उसके बाद आप दोबारा गाड़ी में बैठो और वो आपको दोबारा स्टेशन भी छोड़ेंगे। तो ये प्रॉपर बात कर लो वीडियो बना के जो भी चीज़ है, ताकि भाई तुम्हारे पास एक प्रूफ रहे, बाद में बंदा मुकरे ना।
तो भाई दोस्तों हम पहुंच गए रुद्रप्रयाग, और पानी अभी दोनों अलग अलग जो दिखता है ना वो अभी अलग अलग दिख ही नहीं रहा पानी। पता नहीं पीछे से इतना गंदा पानी आ रहा है कि दोनों पानी का कलर सेम है। और कलर पता है सेम इसीलिए है क्योंकि अभी जो बारिश हो रही है ना, तो सब जगह की मिट्टी वगैरह धुल के ना दोनों साइड से सेम पानी ही निकल रहा है। जब बारिश वगैरह नहीं होती ना तो दोनों पानी अलग अलग देखने को मिलता है यहाँ से। चल ये पूरे में लैंडस्लाइड हो रहा है ना, कोई ऐसी सिंगल जगह नहीं है जहाँ पे लैंडस्लाइड ना हो रहा हो। और जहाँ पे ऐसे थोड़े बहुत ये वाले हैं, चलो इधर तो फिर भी सेफ लग रहा है, लेकिन जहाँ पे कच्चे कच्चे से होते हैं ना वहाँ तो ऐसा लगता है कि भाई यहाँ से जल्दी से निकलो। जैसे कि ये है सामने वाला, ये देखो यहाँ पे भी ये सब कल परसों में गिरे हैं ये सारे, और कितने बड़े बड़े चट्टान गिरे हैं। और ये सब ना फिटिंग कर रहे हैं ऊपर तक जाला वाला लगा के। यहाँ पे कितने लैंडस्लाइड हो रखे हैं, कोई ऐसा कोना नहीं बचा जहाँ पे ना गिरा हो। हाँ बीच बीच में पत्थर पत्थर इधर उधर से गिरे हुए, हर 50 मीटर 100 मीटर पे पत्थर गिरे हुए, हर 100 मीटर पे। इतना टाइम लग भी तो रहा है इसीलिए कि भाई कहीं कहीं पे रास्ते में पत्थर वगैरह गिरे हो भाई। दोस्तों ये वाला व्यू चेक करो यार, पानी के ऊपर कैसे मतलब बादल बादल से हो रहे हैं पूरा, कितना प्यारा लग रहा है यार। ये उस साइड से मैं आ रहा था ना तो मैंने बोला कि मतलब वहाँ से दिखता नहीं सही से, तो मैं यहाँ पे आया हूँ दिखाने के लिए। अब ये धीरे धीरे ना आगे हटे जा रहे, पहले बहुत ही प्यारा लग रहा था ये वहाँ से, अब ये देखो धीरे धीरे गायब हो रहा। पता नहीं मैंने पहली बार देखा है ऐसे पानी के ऊपर पूरा बादल वाला सिस्टम, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है यार यहाँ पर। अब यहाँ से चलते आगे, यहाँ से 20 किलोमीटर है ऋषिकेश सिर्फ। हाँ भोले, ये देखो भाई ये लैंडस्लाइड जो है ना ये कल हुआ है, ये पूरा ऊपर से नीचे तक ये पूरा भरा हुआ था। ये ट्रक में अभी लोड होकर पूरा भाई रास्ता यहाँ से थोड़ा सा क्लियर करा जाएगा। अभी 5 मिनट लगेगा भाई हमें यहाँ पे रुकने में। हैं उतर जाओ भाई, क्या करोगे, ये पत्थर छोड़ते पूरा ट्रक हिल जाता है। ये वो देखो वहाँ से ना बंजी जंपिंग होता है। हाँ हाँ वो खाली होने देते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। लो भाई मैंने तो निकाल लिया साइड में से, मैं ला तुम दोनों उतर जाओ। मतलब तुम दोनों उतर जाओ, मैं पहले साइड से इसको पहले निकाल लूँ। अभी आ रहे हैं दोनों, क्या हुआ, अरे आ जा। ये सोच रहे मैं पीछे ही हूँ। अभी यहाँ से आगे चलते हैं, आगे भी पता है बहुत जगह लैंडस्लाइड हो रखा है भाई, इसीलिए बोल रहा हूँ अभी बारिश के टाइम पर भाई बिल्कुल भी मत आओ। अब यहाँ से निकलते हैं भाई जल्दी से, ऋषिकेश को क्रॉस करते हैं मतलब पहाड़ों को। ये जगह है भाई जहाँ से बंजी जंपिंग करते हैं बंदे, 117 मीटर। और भाई अब हम पहुँच चुके हैं ऋषिकेश, कौन पता नहीं कहाँ आगे निकल गया। तो मेरे भाइयों अभी हमने हरिद्वार को जस्ट क्रॉस करा है, हम निकल रहे हैं सीधा दिल्ली के लिए। मैंने बोला थोड़ी देर ना हरिद्वार में बैठते हैं भाई और देखते हैं भाई गंगा, थोड़ा बहुत पानी वानी में नहाते हैं और फिर निकलते हैं। लेकिन भाई पानी जो था वो बहुत ही मट्टी मट्टी जैसा पानी आ रहा था, तो इस चक्कर में मैंने बोला कि रहने देते हैं। और बैठने के बाद अब मैंने बोला कि ज़्यादा टाइम हो गया, मौसम भी भाई बिगड़ रहा है, इससे पहले मौसम बिगड़े तो भाई यहाँ से फटाफट निकल जाते हैं।
बाकी यहाँ से पूरा 200 किलोमीटर पड़ता है दिल्ली। अब चलते हैं भाई रास्ते में मजे करते करते। पवन पीछे ही है अभी, उसका फ़ोन आ गया था कहीं से, तो उसने बोला कि भाई तू निकल, मैं फ़ोन अटेंड करता हूँ पहले, साइड में लगा के। और वो तो है भाई R15 पे, वो हमें यूँ पकड़ लेगा चुटकियों में। ऐसा मौसम पहाड़ों में अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता मतलब डेंजर साइन लगता है कि भाई बारिश आएगा, लैंडस्लाइड होगा, ये वो, उसकी वजह से। और यही मौसम रोड पे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि भाई धूप और गर्मी का सामना नहीं करना पड़ता। ओ भाई आग लग गई यहाँ पे, खतरनाक वाली, देखो भाई ट्रक में फुल भयंकर आग लग रही है। वाह भाई, पूरा ट्रक जल के राख हो गया है, सिलेंडर से बुझा भी रहे इसे। भीड़ हो रहा है बहुत ज्यादा यहाँ पे, जाम हो रहा, पुलिस वाले किसी को जाने नहीं दे रहे, सब लोग जा भी रहे फिर भी। पूरा ट्रक की हाफ कर दिया, ये है क्या वो लग रहा है भूसा। Bye-bye.